चलो, ऐशानी तुहार अम्मा हमार अम्मा की सहेली दोनों मिलके बनाएंगी पहेली। हिंदी नेक्स्ट लेवल ऑफ हरियाणवी। रोमिल यू आर माय ब्रदर। हाँ जी, जब अगर रोमिल चौधरी और आकाश बैठे हो, कंट्रोवर्सी ना हो तो फिर मजा नहीं आता ना। बिल्कुल बिल्कुल। लेट्स स्टार्ट विद एंड इट्स रिगार्डिंग द बिग बॉस। देखो यहाँ पे कोई सुसु कर रहे हैं। गाइस इन्फ्लुएंसर्स क्या कर रहे हैं, ये सेलेब्स क्या कर रहे हैं, कभी तो बहुत कुछ अच्छा करते हैं, कभी बहुत वेट करते हैं। गाइस आप देख रहे हैं पीबॉय, मैं हूं काश। गाइस आज कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज़ आज मैं आपको लेके चलूंगा लाइव रोमिल चौधरी के साथ, जिन्होंने बिग बॉस 12 में एक रियल मास्टरमाइंड के तौर पे साबित किया था। गाइस उनके साथ होंगी ईशानी और बात करेंगे उनके नए सॉन्ग बेचैनिया की। गाइस पर इसमें कुछ अलग होने वाला है। यू आर पुटिंग मी इन टू स्पॉट, है ना, ये प्लान तुम्हारा पहले से ही है, आई नो दैट। बिकॉज रोमिल चौधरी बन जाएंगे इंटरव्यूअर और वो मेरे से ही कुछ सवाल करेंगे, जिसके बाद बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स वो मेरे मुंह से निकलवाएंगे। हाँ जी, अगर रोमिल चौधरी और आकाश बैठे हो, कंट्रोवर्सी ना हो तो फिर मजा नहीं आता ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके बाद बात करेंगे कैसे कविता कौशिक ने ऐसा क्या कहा। लगता है मुझे कविता कौशिक के जो ग्रह है ना, वो गए जो बिग बॉस में खराब हुए थे, वो अभी तक खराब ही हैं। मानसी खुराना की बात करेंगे, उन्होंने किया बहुत बड़ा खुलासा और एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी पब्लिक में ऐसा क्या कर रही है जिससे आप बौचक्के हो जाएंगे। बात करेंगे रूबीना की, बात करेंगे राहुल की। तो इस एपिसोड में बहुत कुछ होने वाला है, देखते रहिए। व्हाट डू इन्फ्लुएंसर्स डू। तो इस फर्स्ट अप मैं लेके चलता हूँ आपको रोमिल चौधरी और ईशानी के साथ, जहां हम बात करेंगे बेचैनिया की और जहां रोमिल चौधरी मेरे को स्पॉट में डालेंगे, देखते रहिए। ओके गाइस, तो हम नेक्स्ट बात करेंगे बेचैनिया की, जो स्ट्रीम कर रहा है जी म्यूजिक कंपनी पे। ये गाया है सॉन्ग रीना मेहता जी ने और अमित मिश्रा ने, और इसमें दो सितारों ने फीचर किया है, विच इज रोमिल चौधरी और ईशानी। मेरे को वो दोनों ज्वाइन कर रहे हैं। रोमिल को तो आप जानते ही होंगे, बिग बॉस 12 में उन्होंने अपनी छवि एज अ रियल मास्टरमाइंड एस्टैब्लिश करी थी, बिकॉज फेक मास्टरमाइंड तो बहुत होते हैं, बट रोमिल ने दिखाया था कि रियल मास्टरमाइंड कौन होता है। तो रोमिल को आप जानते होंगे इस प्लेटफॉर्म पे, बट ईशानी आई वेलकम यू फॉर द फर्स्ट टाइम। आई थिंक माई ऑडियंस वुड लव टू नो मोर अबाउट यू, सो वेलकम यू बोथ। आप दोनों का बहुत स्वागत है। अभी तो पता है क्या आकाश भाई, आपने मास्टरमाइंड का नाम लिया ना, अभी तो डर लगने लगा है, मास्टरमाइंड का टैग छिन भी सकता है। 14वें सीजन में हालात देखे ना मास्टरमाइंड के। नहीं नहीं, वो छिनता है उन लोगों का जो कि प्लांटेड मास्टरमाइंड होता है। आई थिंक रियल मास्टरमाइंड का टैग कभी नहीं छिनता रोमिल, सो यू आर सेफ। चलो ठीक है, फिर मैं सेफ फील कर भी। ईशानी आपका बहुत बहुत स्वागत है, हाउ यू डूइंग? गुड, थैंक यू सो मच। या आई एम डूइंग वेल। ओके, सो आई सॉ बिचैनिया और मेरे को सबसे पहले आप दोनों से ये पूछना है कि आप दोनों का एक्सपीरियंस कैसा रहा और व्हाट इज द स्टोरी, बिकॉज मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। आई थॉट थोड़ा सा रॉकस्टार से थोड़ी सी मिलती जुलती स्टोरी है, यू नो रोमिल विद दैट गिटार ऑन अ गाय हु इज इनटू लव, बट उसको लड़की मिल नहीं रही है, ऐसा ही कुछ है या आई एम इंटरप्रेटिंग इट डिफरेंट? आई थिंक यू गॉट इट ऑलमोस्ट राइट। फ्रॉम माय अंडरस्टैंडिंग इट्स अ गाय। व्हाट डज लाइक बिचैनिया मीन? इट मींस लाइक restlessness, right? So it means that there is a guy, he is trying to get a girl but he's restless without the girl, so he's trying to write a song. Now he's not able to get that song or like compose it until he actually finds love with that girl. So okay. Once he finds love with that girl, you can see that it's a smooth transition, and then at the end of the song they're on stage together and they're performing. और रोमिल मुझे बताओ कि मतलब आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा और आप दोनों की कोई ऐसी मोमेंट विच आप दोनों शेयर करना चाहोगे? हाँ मैं बता देता हूँ, जो मैडम जी ने हिंदी में बोला है, इंग्लिश में बोला है, मैं उसे हिंदी में बता के आगे से एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली क्या, बेचैनिया एक बेचैन इंसान की स्टोरी है जो एक लड़की से प्यार करते हैं और जो ऑस्ट्रेलिया में है, क्योंकि शूट हमारा ऑस्ट्रेलिया में हुआ तो गर्व से नाम लेना चाहिए हमें। सो ऑस्ट्रेलिया में है एंड वो उसके लिए बहुत बेचैन है, एंड देन एट द एंड शी कम्स और उसके लिए वो गाना लिखता है और पूरा सॉन्ग बेचैन जिस तरीके से अपनी फीलिंग्स बताता है पूरे गाने में। एंड एक्सपीरियंस वाज गुड, यू नो, बिकॉज इट्स अ शी इज अ वेरी ब्रिलियंट गर्ल, एंड अभी इनका एक नया गाना भी आया, उसमें इन्होंने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है। और कहाँ शूट हुआ ये सॉन्ग? ये सॉन्ग बेसिकली जो ईशानी का पार्ट है, सम ऑफ पार्ट हैज बीन शूटेड इन ऑस्ट्रेलिया एंड मेरा जो था वो सारा मुंबई। ओके, तो लॉन्ग डिस्टेंस शूट हुआ है? हाँ, लॉन्ग डिस्टेंस में शूट। तो आप दोनों का टुगेदर वाले सीन्स कहाँ से कैसे शूट किए? मुंबई। मुंबई में, अच्छा, तो ईशानी मस्ट हैव ट्रैवल्ड। ओके, सम ऑफ द सीन्स जैसे आप स्टेज पे हो, जो आप परफॉर्म कर रहे हो गिटार के साथ, ओहो माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग है, बिल्कुल रॉकस्टार की याद आ गई। शानी आप ऑस्ट्रेलिया से ही काम करने वाले हो या इंडिया आके यू वांट टू कम टू मुंबई आल्सो सून एंड काइंड ऑफ वर्क मोर इन द इंडस्ट्री? व्हाट आर योर प्लान्स लाइक गोइंग फॉरवर्ड? सी, I actually had plans to come to Mumbai
just last year. So last year, mid last year, but then because of the pandemic and COVID, like unfortunately we could not be there. So at the moment, everything is on hold. So it's just a matter of the pandemic coming to an end and then coming to India again, seeing if we have more time to stay there. Because normally when we come, we stay there for 1 month or like a month and a half. So like you don't really get time to really, really expose yourself. Once everything dies down slightly, and then we're just going to have to see, but like nothing at the moment. Awesome. चलो शाम हिंदी बोलेंगे अब. But Ashani, आप हिंदी में बात करते हो, वैसे आपको हिंदी समझ आती है, आप बोलते हो पढ़ते हो हिंदी या you are totally into English? I mean, I'm born and brought up over here, so I'm mainly into English, but it doesn't mean that I don't understand Hindi. अच्छा. You know. तो आपको अपने गाने समझ में आते हैं? अपने गाने समझ में आते हैं? Yeah, 100%. Okay, awesome. चलो Ashani कुछ हिंदी का बोल के दिखाओ, मैं आपको इंग्लिश में बोलता हूँ. हाँ करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं. इंटरनेट इशू, नेटवर्क इशू. ओ वाईफाई का रिचार्ज भी करवाया ना आकाश भाई आपने? मैंने आज ही इसलिए चेंज करवाया, मैं एक और लाइव स्ट्रीम कर रहा था, मेरा कनेक्शन डिस्कनेक्ट हुआ, फिर मैंने मोबाइल डेटा से ज्वाइन किया. सुन पा रहे हो ना ढंग से मेरे को? यू कैन हियर मी? हां बिल्कुल अच्छे से सुन पा रहे हैं. अच्छा तो इंग्लिश टेस्ट करते हैं. चलो ऐशानी, तोहार अम्मा हमार अम्मा की सहेली दोनों मिलके बनाएंगी पहेली. Hey, is that even Hindi? this is next level of Haryanvi. Can you talk normal Hindi to me? हमारी मम्मी हमारी मम्मी की सहेली दोनों मिलके बनाएंगे पहेली. Okay, your mom and my mom are friends and they're going to get together and make a paheli. Make a paheli? Oh my god, ये पहेली. Make a riddle. भाई तालियां बजा दो. She's done a great job. Clap for you. So guys, it was absolute fun, or you know, I would look forward to more of the projects from each one of you. Or Ashani, jab aap Mumbai aoge to definitely let me know, let's catch up and let's talk about your future projects and what you're gonna create in this industry. Romil, you are my brother. I have one segment for you. हाँ जी. थोड़ा जब अगर रोमिल चौधरी और आकाश बैठे हो, कंट्रोवर्सी ना हो तो फिर मजा नहीं आता ना. बिल्कुल बिल्कुल बताइए. सो द सेगमेंट इज यू हैव टू से वन बैड वर्ड फॉर द पर्सन, यू हैव टू से वन गुड वर्ड फॉर द पर्सन. ओके ठीक है, डन. लेट्स स्टार्ट विद एंड इट्स रिगार्डिंग द बिग बॉस, बिकॉज यू डोंट नो ऐशानी, सो वी कैन नॉट, यू नो, बिकॉज यू आर नॉट, यू नो, वी आर फ्रेंड्स फ्रॉम पास्ट टू एंड हाफ इयर्स. सो लेट्स, आई विल टेक any contestant, I can take a name and you have to say one good thing about him and one bad thing about him. You are putting me into spot, huh? Hai na? Ye plan tumhara pehle se hi hai. I know that. Acha, theek hai, let's go for it. Karte hain. Let's go with. So, main aapke sabse best friend se shuruaat karta hu, Vikas Gupta. Vikas Gupta. Ek achhi cheez, pehle bolta hu, theek hai? Achhi cheez Vikas Gupta ki ye hai, ki wo... Bahut achhi hai. अच्छी बहुत अच्छी होनी चाहिए, बुरी बहुत बुरी होनी चाहिए, ऐसे नहीं बीच में नहीं खेलना. बिल्कुल नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड. बिल्कुल नहीं. तो अच्छी चीज ये है कि वो क्या करता है, विकास का एक बहुत अच्छी चीज है कि वो ना ढूंढता है कि कौन वल्नरेबल है. जब भी वो बिग बॉस के घर में जाता है, वो ढूंढ लेता है कि कौन सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, और वो उसको हेल्प करना और उसको उसके साथ इमोशनल कनेक्ट एस्टैब्लिश करता है, जिससे उसका गेम तो अच्छा दिखता ही है, उसका उस इंसान के साथ एक घर में जो नेटवर्क बनता है वो ऐसा बनता है कि वो फुल टाइम उस विकास को सपोर्ट करता है. तो ये उसकी एक अच्छी चीज है, उसकी ये उसमें एबिलिटी है, यू नो, उसकी कॉम्पिटेंसी है ये. तो ये एक अच्छी चीज है. जो बुरी चीज है वो ये है कि वो स्क्रिप्ट पे बहुत खेलता है. वो मतलब पहले से प्लान करके और बिल्कुल पूरा सपोर्ट सिस्टम गार्नर करके, भाई मैं बाहर की कोई बात करूंगा और मेरे को कोई कुछ नहीं बोलेगा, और मेरे को सारे जो एक किसी दमाद को, जैसे तुम हरियाणा से हो रोमिल, तुम्हें अच्छे ढंग से बताया एक दमाद की कैसे खातिर की जा सकती है. तो वो पूरा खातिरदारी उसको मिलती है. तो मुझे लगता है जब आप किसी शो में जाते हो और आप मास्टर माइंड बोलते हो अपने आप को, तो आई थिंक आपको कोई ये बाहर से प्लानिंग और ये खातिरदारी नहीं करवानी चाहिए. आई थिंक यू शुड बिहेव लाइक एनी अदर कंटेस्टेंट. तो दिस इज व्हाट आई वुड से. चलो अभी इसको वन वर्ड में करेंगे अपन. वन वन वर्ड बोलो अभी. अच्छा लेक्चर नहीं चाहिए, अपना शो बहुत लंबा चल जाएगा यार. वन वर्ड में अगर मैं बोलूं तो एक अच्छी चीज ये है कि उसका ही वो आइडेंटिफाई करता है वल्नरेबल लोगों को. वन वर्ड नहीं, एक एक्सप्रेशन में बोल रहा हूं, ही कैन आइडेंटिफाई वल्नरेबल पीपल इन द हाउस. और एक उसकी बुरी चीज ये, हाँ बुरी चीज ये कि वो स्क्रिप्टेड खेलता है, वो रियल नहीं खेलता. What about विंदु दारा सिंह?
He's your best friend, I guess, from past 2 years. हाँ बिल्कुल, he's my best friend, especially on Twitter. तो एक 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 अच्छी चीज ये है कि उनकी नेटवर्किंग बहुत सॉलिड है. मतलब जो जो लोगों को विंदु जानते हैं वो उनकी जो उनका जो सैलून है नेल वाला सैलून, वो जरूर आते हैं अपने नेल आर्ट करवाने वहां. तो उनकी नेटवर्किंग बड़ी सॉलिड है. ठीक है. एंड सेकंड, और बुरी चीज ये है कि जैसे भी वो बिग बॉस में गए तो वीडियो देखी मैंने जब वो नेल कराने गई है वहां पे. हाँ, आई एम गेटिंग योर पॉइंट. हाँ है ना. और बुरी चीज ये है कि वो बहुत डिप्लोमेटिक खेले. जैसे दो बार गए, आई थिंक जैसे राखी को सपोर्ट करने गया विंदु, तो ही शुड हैव प्लेड फॉर राखी, नॉट बाहर सोशल मीडिया के लिए नहीं खेलना चाहिए था. तो उन्हें ऐसा सोचा कि सोशल मीडिया सारा सेट रहे मेरा बाहर, तो राहुल को भी अच्छा बोलो, रुबीना को भी अच्छा बोलो, और राखी बेचारी अपने लिए खुद फाइट करती रहेगी. तो दिस इज व्हाट आई डिडंट फाइंड गुड. चलो थर्ड भी आपका बहुत अच्छा दोस्त है. देयर वाज सम कंट्रोवर्सी विद यू मिस्टर भाऊ. भाऊ हिंदुस्तानी भाऊ. हाँ नहीं नहीं देखो अच्छी चीज ये है हिंदुस्तानी भाऊ की, विकास की. आई वुड नॉट कॉल हिम हिंदुस्तानी भाऊ फॉर ऑब्वियस रीजंस, आई वुड कॉल हिम विकास. तो विकास की एक अच्छी चीज ये है कि बहुत इमोशनल है, बहुत पैशनेट है, और डेफिनेटली हमारी कंट्री से जुड़ा हुआ है, उसमें कोई डाउट नहीं है. बुरी चीज ये है कि उस पैशन को, उस पेट्रियोटिज्म को गालियों से जब आप एक्सप्रेस करते हो तो वो गलत हो जाता है, और वो एक हमारी इमेज को अच्छा नहीं दिखाता बाहर के देशों में. सो दिस इज व्हाट आई वुड से, इट्स नॉट सो गुड. डॉली बिंद्रा. नो कमेंट्स. मैं डॉली बिंद्रा की बात करूंगा, वो मुझे टैग करके ट्विटर पे पुलिस पता नहीं कहां साइबर वगैरह टैग कर दी. मैं बिल्कुल कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं चाहता, मैंने हाथ जोड़ लिया डॉली बिंद्रा. मुझे जितना भी लगा उनसे बात करके वो ये लगा कि आई बिलीव उनकी लाइफ में बहुत कुछ घटा है, और हम लोग जज करते हैं इंसान को उनके पास्ट शोज के हिसाब से, पास्ट इवेंट्स के हिसाब से, और इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है वी आर नॉट एबल टू डू इट, वी आर नॉट एबल टू रिलीज. अभी आप बन रहे हो मास्टरमाइंड, वो नहीं है, मैं पकड़ लेता हूं. अभी बोलो मेरे को सीधा वन वर्ड भाई, बुरा वर्ड और अच्छा वर्ड. नहीं नहीं, डॉली बिंद्रा के लिए मैंने क्या ना हाथ जोड़ लिया मैंने भाई. वो मैडम बहुत गुस्सा हो जाती है. अच्छा अच्छा वर्ड बोलता हूँ, दैट यू आर वेरी स्वीट, यू आर गुड बाय हर्ट, एंड सेकंड वर्ड इज थोड़ा सा एग्रेसिव, दैट्स इट. हो गया थोड़ा सा, मैं बोल देता हूँ, शी इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन. थोड़ी इनसिक्योर है, मतलब मैं, मुझे लगता है थोड़ी इनसिक्योर है. आई थिंक जैसे राखी है ना, तो चलो मैं बोलता हूँ, जैसे राखी है, आई थिंक उनको राखी से थोड़ा सीखना चाहिए. जैसे राखी है, अगर वो क्रिंज कर रही है, और अगर लोग बोल रहे हैं राखी क्रिंज है, तो उनको ठीक है, राखी शुड नो कि भाई मैं क्रिंज हूँ, लोग मुझे क्रिंज ही बोलेंगे. तो अगर उनको गुस्सा आता है, अगर लोग बोल रहे हैं कि आपको गुस्सा आता है, तो भाई आता है, तो इट्स ओके. मतलब डोंट बी सो इनसिक्योर एंड प्रोडक्टिव अबाउट योर इमेज, मैं ये बोलना चाहूंगा. चलो अभी आपके फेवरेट कंटेस्टेंट्स पे आता हूं मैं, उनके बारे में अच्छा और बुरा मैं सुनना चाहता हूं. ओके, आसिम रियाज. वन वर्ड, आसिम रियाज फिटनेस फ्रीक, इंस्पायरिंग, इंस्पायर करता. ओके, गुड थिंग एंड बैड थिंग. बैड थिंग, मुझे लगता है कि आसिम अगर वो थोड़ा सा और स्मार्टली खेलता तो आई थिंक ही वुड हैव वन. एनीवेज ही शुड हैव वन, बट थोड़ा और स्मार्टली खेलना चाहिए था सिद्धार्थ की तरह. सॉरी. ओके, यू थिंक सो कि सिद्धार्थ प्लेड वेरी स्मार्टली? हाँ, सिद्धार्थ अंदर से कुछ नहीं था. नहीं नहीं, सिद्धार्थ इज वेरी गुड फ्रॉम हियर. उसका आईक्यू बहुत अच्छा है, जैसा तुम्हारा है. I think Romil का भी IQ बहुत अच्छा है हमेशा. Shehnaaz, अरे यार, Shehnaaz is like, she's, I think one of the cutest contestant I've ever seen. तो cutest बोलूँगा. अच्छा, और बुरा ये बोलूंगा कि कई बार ओवर हो जाती थी, कई बार ज्यादा ओवर हो जाती थी, तो उसको यही नहीं पता चलता था कि उसका कैसे फायदा उठाया जा रहा. सॉरी, ओवर रिएक्ट. हाँ, चीजों के ऊपर ओवर रिएक्ट कर देती थी ह्यूमन टू से. नहीं, ओवर रिएक्ट है. ओवर रिएक्शन तो देखो निकलना उसका उसका स्वाभाविक है, और वही अच्छा लगता था, उसका एंटरटेनमेंट भी वैसे ही दिखता था, बट उसका फायदा उठा लेते थे लोग. उसको समझ नहीं आता तो कौन उसका फायदा उठा रहा है. तो दैट इज व्हाट आई वुड से इज नॉट अ गुड थिंग, इट्स अ बैड थिंग. या टाइम ना वेस्ट करते हुए आपके सबसे फेवरेट कंटेस्टेंट रोमिल चौधरी के बारे में पूछना चाहते हैं. रोमिल चौधरी इज माय ब्रदर. तो भाई है मेरा, और भाई इसलिए है बिकॉज बहुत साफ दिल का है और रियल मास्टरमाइंड है, जैसे मैंने बोला. तो ये एक अच्छी बात है. बुरी बात ये है कि रोमिल
के पास इतना सारा पोटेंशियल है, बट रोमिल को मैं बहुत एक्टिव नहीं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, बिकॉज रोमिल जब अपने पे आता है, जब रोमिल अपने को एक बात करने पे आता है तो वो सबकी धज्जियां उड़ा सकता है, बट मैं रोमिल को एक्टिव नहीं देखता हूँ सोशल मीडिया पे. आई थिंक दैट्स अ बैड थिंग बिकॉज वन नीड्स टू बी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया. हाँ, बट मैं अपने आप को एक्सक्लूसिव भी रखना चाहता हूँ. मैं चाहता हूँ कि साल में एक बार आओ पर धमाके के साथ आऊँ. नहीं, बिल्कुल ठीक है, वो भी ठीक है. एंड आई एम वेटिंग, और मैं बिल्कुल वी बोथ नो व्हाट यू आर वर्किंग ऑन. बट क्या आप मेरे ऑडियंस को बताना चाहोगे, इज देयर एनी प्रोजेक्ट दैट यू कैन टॉक अबाउट राइट नाउ दैट यू आर वर्किंग ऑन? या ओके, सो एक तो कहानी रबर बैंड की आ ही रही है, एंड देन देयर इज अ जावेद अली जी का सॉन्ग नेक्स्ट मंथ आ रहा है अपना. अच्छा, वन अनदर सॉन्ग फ्रॉम जावेद अली जी की, बहुत खूबसूरत गाना है, प्लीज सुनिएगा. और फिर अपनी एक मूवी आ रही है राधे के बाद, बिकॉज मैं राधे के साथ कंपेयर नहीं करना चाह रहा अपने आप को. सलमान जी मेरे दिल के बहुत अजीज है और वो मेरे को मिलते भी हैं बहुत अच्छे से. तो राधे के बाद मेरी एक मूवी भी आ रही है, तो उसका नाम मैं आपको बहुत अच्छे से प्रमोशन के टाइम पे खुल खुल के सबसे पहला आपके यूट्यूब चैनल पे इंटरव्यू दूंगा उसका मैं. ऑसम. एंड देयर इज अ वन वेब सीरीज आल्सो कमिंग इन ऑगस्ट. ओके, सो नेक्स्ट मंथ, राइट नाउ आई एम ऑन अ ब्रेक, बट आई एम गोना गो टू द ब्रेक राइट नाउ. But after 15 days, there is again shooting is going to start for some big banner. Awesome. And big OTT platform. This is also a web series with a great co-stars. Awesome. So I am doing great. I'm having fun in my life and I'm doing a good job. And it's very hard to be as a commoner now. People yeah. don't, when you come out from the reality show as a, show as a commoner, yeah. people don't take you as an actor. Bilkul. You have to prove yourself. Absolutely. So I'm just on the way to prove myself, and I hope one day people will realize ki how much hard work I did, and I hope so ki main apne fans ko khush rakh sakun. नहीं, वो हार्डवर्क दिख रहा है, और मुझे तो पता भी है रोमिल, और जो आप दोनों के इस वक्त फेस पे स्माइल है इस पूरे कॉन्वर्सेशन में, और जो ग्लो है दोनों के फेसेस पे, आई रियली प्रे कि वो ग्लो बरकरार रहे और बढ़ता ही जाए. Ashani is sitting there. What the fuck they guys talking about? You know, I'm just, they are so irritating. Hey, I think, the goal, I love the way she's smiling. I love the way she's smiling and she's totally involved. Ashani, God bless you. आपके जो face पे smile है और जो आपके face पे glow है, वो बरकरार रहना चाहिए. You didn't notice, Ashani put her video call on a mute. Why do you notice it? Yeah, she did. Because I was finding this conversation so funny, I just thought maybe I just mute myself. Okay. No. चलो अगर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके and conversation करके. Same. And भगवान आपको तरक्की से million billion followers हो जाएं आपके. Thank और हम ऐसे ही आगे party करते हैं आपके पास. आता हूँ दिल्ली, मिलता हूँ फिर आपको, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल Ashani, you know, have a good time and I look forward to meet you when you are here in India. So have a good time. New song, it's a fantastic song and it's a superb. You act really, you did a great job and may God bless you and please जल्दी से कोई movie produce करो और मुझे ले लेना. Thank you. Me produce or him produce? Okay guys, it was lovely talking to both of you. बहुत अच्छा लगा आपसे दोनों से बात करके. Thank you so much for joining this show. Have a great time. Have a good night, Ashani, and have a good evening, Romil. Okay, you too, brother. Thank Take care. Down jaldi. Okay, sure. Take care. Bye. Bye. So guys, I hope you like this conversation. और ये रोमिल ही कर सकता है. He put me into spot. तो guys, ये थे रोमिल और Ashani. And guys, इनका song बिचैनिया जरूर देखिएगा. उसका link video description में है. अब बात करते हैं कविता कौशिक की. लगता है मुझे कविता कौशिक के जो ग्रह है ना, वो गए जो बिग बॉस में खराब हुए थे, वो अभी तक खराब ही हैं, ठीक नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया, ऐसा कुछ कह दिया जिससे वो बहुत शर्मिंदा हो सकती हैं. मैं बताता हूँ कैसे. वो बात कर रही थी कोविड की, वो बात कर रही थी सेफ्टी की, और उन्होंने मास्क ही नहीं पहना था. देखिए, मिलना चाहिए ना अभी पब्लिक पे, कोरोना फैल रहा है वापस मुंबई में, कितने केसेस बढ़ रहे हैं ना, मास्क पहन लेती हूँ भाई. और उसके बाद यही नहीं, वो बाइक पे बैठ के गई और उन्होंने हेलमेट नहीं लगाया था. क्या करें ऐसे सेलेब्स का, जो बात तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं और खुद उसको फॉलो नहीं करते हैं. आपका क्या कहना है इस पे, जरूर बताइएगा कमेंट में. गाइस, हिमांशी खुराना की बात करते हैं. हिमांशी खुराना ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है. हिमांशी खुराना ने ऐसा कुछ कहा है जिसके लिए आई एडमायर हर. उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने कई रोल्स छोड़े, फिल्में छोड़ी, ऐसे कई ऑफर्स छोड़े जिसमें उनको स्किन दिखानी पड़ सकती थी या जिसमें उनको ट्रस्ट नहीं हुआ. मुझे आई कैंडीज भी नहीं करनी. मैंने पहले बोला कि आई एम नॉट कंफर्टेबल इन शोइंग स्किन.
कैसे इस इंडस्ट्री में लड़कियों को एक्सप्लॉयटेशन होता है। और हिमांशी खुराना ने यही शेयर किया कि उनको ऐसी कोई असाइनमेंट, ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं करना जहां उनको उनको कॉन्फिडेंस ना आए, उनको ट्रस्ट ना आए। और उनको कैरेक्टर रोल्स चाहिए, उनको ऐसे रोल्स नहीं चाहिए जिसमें कपड़े छोटे पहने पड़े या मेकअप लगा के बैठ जाना। वो तो अपना सॉन्ग से ही पूरा कर लेती। आई एडमायर, आई लव हर फॉर सेइंग दैट। तो मुझे ऐसे रोल चाहिए जो मेरे कैरेक्टर बेस्ड हो, नॉट अटायर बेस्ड हो। ऐसी ही तो इन्फ्लुएंसर चाहिए, ऐसी तो सेलेब्स चाहिए हमें। आप क्या कहते हैं, आप कैसी राय रखते हैं इस बारे में, जरूर बताइएगा। मैंने सोचा सारे अपने फैंस को थैंक यू बोलूं, सो मच, लव यू सो मच। राखी सावंत ऐसे बहुत पोस्ट शेयर कर रही हैं, बहुत इंस्टाग्राम पे ऐसी स्टोरीज डाल रही हैं जहां वो दिखा रही हैं कैसे वो अपनी मदर के साथ हैं जो कि कैंसर से लड़ रही हैं। उनकी कीमोथेरेपी हो चुकी है और राखी सावंत ने शेयर किया कि कैसे उनकी मदर चाहते हैं कि वो रितेश के साथ नेक्स्ट सीजन में आए। मम्मा बताओ क्या कहती है मम्मा, दोनों जाएगी एक साथ में। अब मुझे नहीं पता कि रितेश के साथ आएंगी या नहीं आएंगी, बट मुझे नहीं लगता कि बिग बॉस की टीम उनको छोड़ेगी। आई बिलीव हर सीजन में उनको लाया जाएगा एंड आई वुड डेफिनेटली वांट टू सी हर अगेन इन बिग बॉस 15। बिग बॉस 15 में भी पहुंच जाएगी। आपका साथ तो हमेशा है ना मेरे साथ। आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा। गाइस बात करते हैं राहुल वैद्य की। तो राहुल वैद्य ने बहुत वेट करी बिग बॉस के घर में, उन्होंने बहुत वेट करी जब उन्होंने प्रपोज किया दिशा को और दिशा एंड में आई, उन्होंने बोला कि हाँ आई वांट टू मैरी यू। और दिख रहा है कि राहुल कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ही टुक दिशा इन अ चॉपर टू अ वेकेशन और बहुत रोमांटिक लगा कि जैसे वो पोस्ट शेयर कर रहे हैं, एक दिशा कर रही है तो एक राहुल कर रहे हैं और जैसे राहुल की पार्टी हो रही है। वहीं अली गोनी और जैस्मिन भसीन भी ऐसे पोस्ट शेयर कर रहे हैं जिनको देख के लग रहा है कि लव इज इन द एयर। तरसती है निगाहें है मेरी, तकती है राहें तेरी, चाहिए बना तेरी। और मुझे लगता है इन कपल्स को अब आगे बढ़ जाना चाहिए। गाइज हमारी सबकी ब्लेसिंग्स होनी चाहिए कि ये कपल अब इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, दोनों शादी के बंधन में बन जाएं। गाइज कपल की बात करें तो ऐसा कपल है जो ऑलरेडी शादी में बना हुआ और बहुत स्ट्रॉन्ग होकर निकला है बिग बॉस से, वो है अभिनव शुक्ला और रुबीना दिलेक। गाइज अभिनव शुक्ला की बात करें तो जिस बात पे उन पे व्यंग कसा जा रहा था तो उसी बात को यूज करके लोगों को एंगेज कर रहे हैं, विच इज वेरी गुड। ही शेयर द स्टोरी एंड द रिजल्ट्स आर इन फ्रंट ऑफ यू। मुझे लगता है दिस इज ऑल्सो रियल टैलेंट कि जिस बात पे आपका मजाक उड़ रहा हो आप उसी को यूज करके एंगेज कर रहे हैं लोगों को, बहुत अच्छा। और मुझे तो ये समझ ही नहीं आता कि कैसे इस रियलिटी शो में आप किसी भी ऐसी चीज को जो फिटनेस के लिए आपको इंस्पायर करे उस पे आप मजाक कर सकते हो, बट दैट इज माय व्यू, व्हाट इज योर व्यू जरूर बताएगा। एक और पोस्ट में रुबीना दिलेक ने रिसेंटली शेयर किया, उसमें अभिनव शुक्ला के साथ उनको डांस करते हुए देखा जा सकता है जो अगेन रिप्रेजेंट करता है उनके कल्चर को, विच इज ग्रेट। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ऐसा देखिए कि इस रियलिटी शो में जिसमें बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी होती है, बहुत ज्यादा गंद दिखाया जाता है, वहां ये लोग जब बाहर निकले तो इतना अच्छा कर रहे हैं, कोई रोमांस कर रहा है, कोई इतने अच्छे अच्छे पॉजिटिव मैसेज दे रहा है। तो गाइज दिस इज व्हाट वी वांट राइट फ्रॉम द इन्फ्लुएंसर्स, दिस इज व्हाट वी वांट फ्रॉम द सेलेब्स, इजंट इट। बट ये क्या कर रही है एक बिग बॉस विनर, देखो यहाँ पे कोई सुसु कर रहे हैं पब्लिक में, ऐसा क्या कर रही है, कौन है ये? गाइज मैं बताता हूँ, दिस इज शिल्पा शिंदे। और गाइज इट्स सच अ स्वीट मैसेज दैट शी इज गिवन थ्रू दिस पोस्ट, विच इज लुकिंग वियर्ड बट बहुत स्वीट मैसेज है इसके पीछे। उन्होंने बताया इस पोस्ट को शेयर करते हुए कि कैसे आपको बिजी नहीं लाइफ को इजी बनाना चाहिए, सच अ ब्यूटीफुल मैसेज। और गाइज यही मस्करी शिल्पा शिंदे की जो थी, यही उनका एंटरटेनिंग वे जो सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है, इसी ने लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में जगह बनाई थी शिल्पा शिंदे के लिए और तभी वो जीती थी बिग बॉस सीजन 11। आई लव वॉचिंग हर ऑन सोशल मीडिया, जिस तरह की वो पोस्ट डालती है, जिस तरह की वो स्टोरीज डालती है, एंड आई वुड रियली लव टू सी हर बैक ऑन ट्विटर एज वेल। आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा कॉमेंट्स। गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये सीरीज कैसी लग रही है जरूर बताइएगा। आप भी चाहते हैं तो इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हमें लिख सकते हैं hello@thereadpeople.com पे कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन, कोई भी ऐसा इवेंट जिसपे आप चाहते हैं मैं रिएक्ट करूं, जरूर बताइएगा, जरूर रिपोर्ट करिएगा। आपके किसी भी कॉन्ट्रीब्यूशन को अगर हम इसमें एज अ सेगमेंट एड करते हैं तो आपको शाउट आउट जरूर मिलेगा, इस बात की गारंटी अगर आप चाहते हैं। तो गाइज आप कंट्रीब्यूट करते रहिए और कमेंट्स करते रहिए, लाइक करते रहिए वीडियोस, मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा इस सीरीज में जिसका नाम है व्हाट डू इन्फ्लुएंसर्स डू। ऐसी वीडियो में फिर से जल्दी मिलूंगा। हैव अ गुड नाइट, शब्बा खैर, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, राम राम, चीयर्स एंड गुड बाय।